खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां अमरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव सिरसा में आज एक दिन दहरा देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि भरेड़ी बरेली का रहने वाला 19 वर्षीय रिंकू गंगवार गांव से आता है और रविंद्र पाल गंगवार के घर घुस जाता है। वहां पर रविंद्र पाल की बहन व उसकी माँ के साथ मारपीट करता है तथा उसको पाठे से घायल करता है। चीख पुकार सुनकर रविंद्र पाल मौके पर पहुंचता है तो रिंकू पाल अपने साथ लाए 12 बोर के तमंचे से उस पर फायर कर देता है, जिससे रविंद्र गंगवार की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली मारने के बाद रिंकू गंगवार भागता है और 20-25 मीटर की दूरी पर पहुंचकर खुद को भी गोली मार लेता है, जिसके चलते दोनों की मौत हो जाती है। अस्पताल में दोनों मृत घोषित किए जाते हैं। इस सनसनीखेज वारदात को देखते हुए जिले के SP दिनेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। जानकारी के बाद मालूम होता है कि रिंकू पाल की बहन का इसी गांव में कुछ साल पहले विवाह हुआ था और रिंकू पाल का बिरादरी का होने के नाते रविंद्र पाल का घर आना जाना लगा रहता था। वहीं SP का कहना है कि इस पर छानबीन की जा रही है और जो तथ्य सामने आते हैं उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है, गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों समूह को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीलीभीत जनपद से हिकमत शाह की रिपोर्ट। दोनों की हत्या हुई है, क्या मामला है, क्या जानकारी मिली? देखिए, एक रविंद्र पाल गंगवार नाम के 28 साल के आदमी को, रिंकू गंगवार नाम के 19 साल के लड़का जो है 12 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या की। उसके बाद वहाँ से 20-25 मीटर दूरी पर रास्ते में अपने को खुद को गोली मार दिया है। दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, वहाँ पर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं, मॉर्चरी में बॉडी रखवा दी गई है। गांव में पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि सुबह लगभग 9:30 के आसपास वो रिंकू गंगवार, जो बहेड़ी का रहने वाला है लक्ष्मीपुर का, वो स्वयं आया है और यहाँ पे इसके घर में घुस के रविंद्र पाल की बहन और माँ से मारपीट करना शुरू कर दिया और बांका से हमले करना शुरू कर दिया। बचाव में रविंद्र पाल गया था तो रविंद्र पाल को उसने अवैध तमंचे से गोली मारा है, उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। इसके बैकग्राउंड में क्या है, हम लोग जांच कर रहे हैं। फिलहाल पूरा परिवार हॉस्पिटल में है, इसलिए कोई तथ्य गांव के ओर से कोई बोलने को तैयार नहीं है। बट ये पता चला कि पहले जो रिंकू गंगवार है उसके बहन इसी गाँव में ब्याही हुई है, तो इनके यहाँ आना जाना था, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बाकी घटना का क्या मूल कारण है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जांच के विषय है, जांच कर रहे हैं और जांच के तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है।